नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा और आप सभी देख रहे हैं ब्रजवासी गर्ल। उम्मीद करती हूं आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना और अपनों का ध्यान भी बहुत अच्छे तरीके से रख भी रहे होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जहां हम बात करेंगे फेयर लाइट क्रीम की। इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या आपको यूज़ करनी चाहिए, स्टेरॉयड है, केमिकल क्रीम है, किस तरह की है, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आई होप अभी तक आपने ब्रजवासी गर्ल को सब्सक्राइब कर दिया। ये जो फेयर लाइट क्रीम है दोस्तों, ये 20 ग्राम की पैकेजिंग में आती है और 450 ये आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाएगी। इसका प्लस पॉइंट की बात करें तो ये एक डे क्रीम है, यानी कि ये आपको SPF 50 प्लस के साथ मिल जाती है, यानी कि ये आपके स्किन टोन को भी लाइट करती है, स्किन प्रॉब्लम्स को भी दूर करती है और ये आपको सनस्क्रीन का भी प्रोटेक्शन देती है आपकी स्किन पर। आपको अलग से सनस्क्रीन यूज़ करने की, मॉइस्चराइज़र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके साथ। बात कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट की। इसमें एवोबेंजोन, ऑक्टिनोसेट, ऑक्टोक्रिलिन का इस्तेमाल किया गया है। ये जो तीन इंग्रेडिएंट हैं ये हमारी स्किन को सूरज की जो हार्मफुल रेसेस होती हैं UVA और UVB से प्रोटेक्शन देती हैं। ये SPF का काम करते हैं, तो आपको तीन इंग्रेडिएंट से इसमें SPF की सुरक्षा मिल जाती है, यानी कि ये आपकी स्किन को पूरी तरीके से सन से प्रोटेक्ट करता है, तभी मिलकर के ये आपको SPF 50 की सुरक्षा दे पाता है। इसके अलावा इसमें दोस्तों इस्तेमाल किया गया है नॉन पेपराइट का। ये जो इंग्रेडिएंट होता है ये हमारी स्किन से मेलानिन को कम करता है। ये स्किन लाइटनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ये आपकी स्किन को फेयर करता है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा फेयर कर देता है, लेकिन जो धूल धूप प्रदूषण से जो कलर दब गया है, कई बार ऐसा होता है हम लोग धूप में बहुत ज़्यादा जाते हैं, हमारा कलर काफ़ी डार्क हो जाता है। आपका जो नेचुरल कलर होता है वो आपका जो चेस्ट एरिया होता है वो आपका नेचुरल कलर होता है, तो अगर आपके फेस का कलर उससे ज़्यादा डार्क है तो ये उस दबे हुए कलर को बाहर लेकर के आएगा और ये डार्क नहीं होने देगा आपके चेहरे के रंग को, क्योंकि ये आपकी स्किन को सूरज की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करेगा। इसमें है विटामिन ई। विटामिन ई एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र होता है आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, मॉइस्चराइज हाइड्रेट करने के लिए। विटामिन ई के अनगिनत फ़ायदे होते हैं, तो यही इसके इंग्रेडिएंट हैं, इसमें यही सारी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं। सेफ है, इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, मेल फीमेल हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। 18 की इसके बाद ही यूज़ करना है, उससे पहले ना करें। तो ये अगर आप अपने लिए कोई अच्छी सनस्क्रीन ढूंढ रहे हैं, सनस्क्रीन का काम होता है हमारी स्किन को सिर्फ प्रोटेक्ट करना सन से, लेकिन वो स्किन लाइटनिंग नहीं देती है। लेकिन अगर आप अपनी स्किन के लिए कोई एक ऐसी क्रीम ढूंढ रहे हैं जो सनस्क्रीन की फुल प्रोटेक्शन आपको दे और स्किन लाइट भी करे, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। दिन के टाइम ही यूज़ करनी है, ये नाइट क्रीम नहीं है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।